हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करूंगा ऑर्थोपेडिक सब्जेक्ट्स के एक इम्पॉर्टेंट स्प्लिंट के बारे में, दैट इज थॉमस स्प्लिंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्प्लिंट है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये स्प्लिंट सबसे पहले डिजाइन किया था H.O. थॉमस ने फॉर ट्यूबरक्लोसिस ऑफ नी जॉइंट। ये जो स्प्लिंट है हमारे, ये कहाँ यूज होते हैं? वहाँ यूज होते हैं जहाँ पर हमें पर्टिकुलर एरिया को इमोबिलाइज बनाना होता है, मेनली जब फ्रैक्चर हो जाता है या बोन हमारी डिसलोकेट हो जाती है तो हमें उस पर्टिकुलर एरिया को इमोबिलाइज रखना होता है, तो इसके लिए हम स्प्लिंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब जो इसका यूज होता है, नाउ इट इज वेरी कॉमनली फ्रिक्वेंटली यूज फॉर द इमोबिलाइजेशन ऑफ हिप एंड थाई इंजरीज और फ्रैक्चर्स, ठीक है। अब देखें तो अब इसका यूज हम हिप और थाई में जितने भी फ्रैक्चर्स होते हैं, इंजरी होते हैं, उनको इमोबिलाइज रखने में भी अब थॉमस स्प्लिंट का यूज होता है, ठीक है। थॉमस स्प्लिंट के जो पार्ट साइन के पार्ट की बात करें तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर एक रिंग है और यहाँ पे दो बार्स हैं। आप दो बार्स को देखो, दोनों के दोनों बार्स, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, ये इसका डिस्टल एंड है, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल एंड में रिंग के साथ अटैच हुए हैं और डिस्टल एंड में एक दूसरे से अटैच हुए हैं और साथ में इन्होंने बना दिया है नोच, ठीक है। अब हम देखते हैं, आपको पता चल गया इसमें एक रिंग है और दो साइड बार होते हैं, ठीक है, बार, ठीक है। ये आपका इनर बार है, इनर बार मतलब ये मिडली होगा और ये लेफ्टली होगा, इसका डायरेक्शन की बात करें तो, ठीक है। ये जो आपका इनर बार है, इनर बार और रिंग के बीच में एक एंगल होता है, वो कितना एंगल है? 120 डिग्री एंगल है। और जो आउटर बार है और आपका जो रिंग है उसके बीच में क्या होता है? कर्व होता है छोटा सा। क्यों होता है ये कर्व? बिकॉज आपने देखा होगा हिप में जो फीमर बोन होती है उसका जो लेटर ट्रोकेंटर पार्ट है वो बाहर की साइड निकला होता है, तो वो भी उसमें आसानी से फिट हो जाए, इसलिए यहां पर क्या होता है? कर्वचर होता है, ठीक है। तो रिंग हो गया, टू साइड बार हो गए, रिंग और इनर बार का एंगल हो गया 120, और आपने देख लिया आउटर साइड में कर्वचर है, ठीक है। इसके यूजेस की बात करें, आपको मैंने यूज बता ही दिया, जब कोई फ्रैक्चर होता है या हमें किसी पर्टिकुलर एरिया को इमोबिलाइज रखना होता है तो हम स्प्लिंट का यूज करते हैं। इसकी साइज की बात करें तो इसका हम साइज लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मीडियल साइड ऑफ ग्रोन, ठीक है। ये जो रोन का एरिया होता है, इसके हाईएस्ट पॉइंट से लेकर अप टू हील तक हम इसका साइज लेते हैं। हम यदि इनर बार की बात करें तो प्लस 6 इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं इसका, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्रोन अप टू हील्स प्लस 6 इंच हम एक्स्ट्रा इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इसका आपने देखा, मैंने थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता दी, इसके पार्ट्स, इसके यूजेस और इसके साइज, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट में कभी आता है तो आप इतना लिखोगे तो इनफ होता है विद लेबल डायग्राम। थैंक यू।